भूतिया बैल और चुड़ैल की लड़ाई। एक बार की बात है, जूनागढ़ नाम के एक गांव में एक भूतिया बैल रहा करता था। जब भी कोई रास्ते में रात के समय अपने घर जाता तो वो भूतिया बैल डरावनी डरावनी आवाज निकालता, तो कभी किसी लड़की की आवाज निकाल कर राही को भटकाता था। और जो कोई भी राही पीछे मुड़कर देख लेता, वो भूतिया बैल उसकी जान के पीछे पड़ जाता था। ऐसे ही एक दिन राहुल नाम का एक व्यक्ति रात के समय अपने घर जा रहा होता है। रात भी काफी हो चुकी थी और अंधेरा भी। राहुल अपने फोन का टॉर्च जला लेता है। राहुल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है, उसे अजीब सी डरावनी डरावनी आवाज सुनाई दे रही होती है, पर राहुल उन आवाजों को अनसुना करके आगे बढ़ता जाता है। तभी उसे पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। राहुल, राहुल, मेरी मदद करो, देखो इस बैल ने मुझे घेर लिया है, ये बैल मुझे मार डालेगा, प्लीज राहुल, प्लीज मुझे बचा लो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो राहुल। लड़की की आवाज सुनकर राहुल पीछे मुड़ जाता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है। कौन हो तुम और कहाँ हो, मुझे क्यों नहीं दिख रही? अगर तुम मेरे सामने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगा? राहुल के इतना बोलते ही उसे बैल की आवाज सुनाई देती है। बैल की आवाज सुनकर राहुल सब समझ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे घर की ओर भागता है और घर पहुंचता है। राहुल को हाफता और पसीने में लथपथ देखकर उसकी बीवी कविता उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे क्यों हाफ रहे हो? वो भूतिया बैल मुझे मार डालेगा, तुम जल्दी से घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, मेरे पीछे वो भूतिया बैल पड़ा है। क्या, ये आप क्या बोल रहे हो, मुझे पूरी बात बताइए। मैं तुझे सब बता दूंगा, पहले तुम सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दो। राहुल के बोलने पर कविता घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और अपने पति से सारी बात पूछती है। राहुल कविता को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर कविता राहुल से बोलती है, आप इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? आपको तो पता है ना कि वो भूतिया बैल हर रोज अपना शिकार ढूंढता है, और अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो वो भूतिया बैल उसकी जान लेकर ही मानता है। फिर आपने पीछे क्यों देखा? आपको समझ नहीं आया कि ये सब भूतिया बैल का छलावा है? कविता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अभी आपके गले में माता रानी का लॉकेट डाल देती हूँ, वो भूतिया बैल है। माता रानी का लॉकेट आपके गले में रहेगा तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना बोलकर कविता घर के मंदिर में जाती है और माता रानी का लॉकेट ढूंढती है, परंतु कविता को माता रानी का लॉकेट नहीं मिलता। कविता बहुत निराश हो जाती है और अपने पति के पास जाकर अपने पति से बोलती है, मैंने मंदिर में ही माता रानी का लॉकेट रखा था, पर पता नहीं वो लॉकेट कहाँ चला गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ, मैं कैसे आपकी जान बचाऊँ राहुल जी, ये आपने क्या कर दिया, क्यों नहीं मानते आप कभी भी मेरी बात? कविता, मुझे लगा सच में कोई मुसीबत में है, तो मैं बस उस लड़की की मदद करना चाहता था जिसकी मैंने आवाज सुनी थी, पर मुझे क्या पता था कि वो भूतिया बैल इतना शातिर है कि मुझे अपना शिकार बनाने के लिए मेरे जज्बातों के साथ खेल जाएगा। भूत किसी के नहीं होते, आपने सबसे बड़ी गलती करी पीछे मुड़कर, आपको पीछे नहीं मुड़ना चाहिए था, अगर आप बिना पीछे मुड़े सीधे सीधे घर आते तो वो भूतिया बैल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, पता नहीं अब क्या होगा, वो भूतिया बैल कभी भी यहाँ आ सकता है आपकी जान लेने के लिए। राहुल अपनी बीवी से बात कर ही रहा होता है कि एक बार फिर उसे भूतिया बैल की डरावनी आवाज सुनाई देती है। भूतिया बैल तेज रफ्तार से आता है और उसके घर के दरवाजे को तोड़कर राहुल के पास आकर खड़ा हो जाता है। राहुल भूतिया बैल को देखकर डर जाता है और भूतिया बैल सींग मारकर राहुल को अपने पीठ पर बैठाकर कहीं ले जाता है। ये देखकर कविता पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पति को बचाने का निर्णय लेती है। अब वो भूतिया बैल से लड़ने अकेले ही जंगल की ओर जाती है, जहां वो भूतिया बैल से लड़ती है, परंतु कविता भूतिया बैल का सामना नहीं कर पाती और भूतिया बैल कविता को और उसके पति को दोनों को मार डालती है। कुछ देर बाद कविता भी एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद कविता खुद से बोलती है,
मैं अपने पति और खुद की जान तो नहीं बचा सकी, पर मैं अब इस गांव वाले लोगों को भूतिया बैल से जरूर बचाऊंगी। अब जब भी भूतिया बैल किसी गांव वालों को मारने की कोशिश करता है तो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है, परंतु कविता की शक्तियां अभी कमजोर थी इसीलिए वो भूतिया बैल से लड़ नहीं पाती थी। परंतु कुछ दिनों बाद कविता को भी शैतानी सारी शक्तियां मिल जाती हैं, जिसके बाद चुड़ैल भूतिया बैल का सामना करती है। अब भूतिया बैल और चुड़ैल सभी गांव वालों को नजर आ रहे होते हैं। चुड़ैल भूतिया बैल से लड़ती है और अंत में चुड़ैल भूतिया बैल को मार डालती है, जिसके बाद गांव से भूतिया बैल का साया ही खत्म हो जाता है और चुड़ैल सभी गांव वालों से बोलती है, मैं अपने पति और खुद को उस भूतिया बैल से नहीं बचा सकी, परंतु आज आप गांव वालों की जान बचाकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। गांव वालों, अब ये भूतिया बैल तुम में से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि मैंने इसे खत्म कर दिया। कविता, तुम बहुत बहादुर हो। तुम जब जिंदा थी तब भी हम गांव वालों की मदद किया करती थी, और अब चुड़ैल बनने के बाद भी तुमने हम गांव वालों की मदद करी है और इस भूतिया बैल से हमें छुटकारा दिलाया है। हम तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। कुछ देर बाद कविता चुड़ैल भी वहां से गायब हो जाती है और अब सभी गांव वाले चैन की सांस लेते हैं और खुशी खुशी अपने गाँव में रहने लगते हैं।